भाई कोई भी टीम अगर भारत का दौरा कर रही है, इंडिया का दौरा कर रही है, तो पहले उनसे पूछ ले कि अपनी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल करने हैं, क्योंकि जिसको वो चाहते हैं वीज़ा देते हैं, जिसको वो चाहते हैं वीज़ा नहीं देते हैं। पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ भी हो चुका है, उस्मान ख्वाजा के साथ ही हो चुका है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं, फिर अब इंग्लैंड के जो शुएब बशीर हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। और इंग्लैंड की टीम आपको पता होगा टेस्ट ओवर के लिए इंडिया में मौजूद है, और पूरी इंडिया की टीम इंग्लैंड की टीम वहाँ मौजूद है, लेकिन उनके जो स्पिनर हैं शुएब बशीर, यंग टैलेंटेड स्पिनर, लेकिन उनका जुर्म ये है कि उनके पेरेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो उनको वीज़ा जारी नहीं किया गया और पहले टेस्ट से वो अपनी टीम के बाहर हो गए। और दुबई में स्टे किया हुआ था, वेट करते रहे वीज़ा का, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनको वीज़ा जारी नहीं किया और अब उनको वापस इंग्लैंड बुला लिया गया है। तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए भी शर्म का मुकाम है कि उनके एक प्लेयर को वीज़ा जारी नहीं किया गया और उनको वापस बुलाया गया है। और अभी तक हैरानकुन तौर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो खामोश है, उनका मीडिया, उनके जर्नलिस्ट जो है वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं इस फैसले के ऊपर, लेकिन आई डोंट नो क्यों वो लोग खामोश हैं। पहले उस्मान ख्वाजा के साथ हुआ तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी खामोश रहा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं और उनकी मतलब सही बात पर भी जो है वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते। अब दुनियाई क्रिकेट में सिर्फ एक ही बोर्ड हमें नज़र आता है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गलत फैसलों के खिलाफ खड़ा होता है, आईसीसी मीटिंग से भी जो है वो आवाज़ उठाता है, लेकिन ये तमाम क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गुलाम बने हुए हैं। गुलाम कहना भी गलत नहीं होगा इनको, क्योंकि जब एक प्लेयर को वीज़ा जारी और एक यंग प्लेयर जो अपने करियर का आगाज़ कर रहा है उसके ऊपर क्या बीतेगी कि वो एक टूर पे जा रहा था, उसको वीज़ा नहीं मिला, दुबई से अपने मुल्क वापस जा रहा है। और बेन स्टोक्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया इसके ऊपर, फिर रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका जवाब ही अनोखा था कि वो वीज़ा ऑफिस में नहीं होते, लेकिन ये है कि उनको वीज़ा जारी कर देना चाहिए था, उन्होंने ये कहा, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए खुद एक शर्मनाक बात है, उनकी होम मिनिस्ट्री के लिए, उनके जो डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए। एक क्रिकेट को बार बार हम देखते हैं कि भारत में सियासत से मिलाया जाता है, और एक मरतबा फिर ऐसा हुआ और इस मरतबा एक नौजवान खिलाड़ी जो कि अपना करियर स्टार्ट करने वाला था उसके साथ शदीद नाइंसाफी की गई और अब वो पहले टेस्ट से बाहर हैं। देखते हैं कि दूसरे टेस्ट के लिए आने वाली सीरीज़ के लिए उनको वीज़ा जारी होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल वो दुबई से वापस इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं।